इस बारे में हमने बात करी अपने जो क्रिकेट एक्सपर्ट पाकिस्तान से शोएब अख्तर जी के साथ, और देखते हैं कि शोएब भाई ने शाहीन के ऊपर क्या कहा। मैं ये एज अ बॉलर ये देख रहा था कि शाहीन को लेंथ बॉल ज्यादा करनी चाहिए थी, और जब उनको पता है कि जब वो बॉल, रोहित शर्मा भी तैयार है अंदर के लिए, आप ट्रैप सेट करते हैं, आप फुल लेंथ डिलीवरी कर रहे हैं, जरूर करें। लेकिन जब मैं वसीम अकरम के साथ खेलता हूँ, मैं बहुत सारे बड़े ग्रेट्स के साथ खेला हूँ, तो मैंने जो उनको देखा तो वो पहले पहले पांच बॉल बाहर करते हैं और दो बॉल वो अंदर लाते हैं या चार बॉल बाहर करते हैं। जिस दिन शाहीन को बाहर का बॉल भी करना आ गया और ट्रैप करना आ गया, देन इट विल बिकम वेरी अनप्लेएबल। अभी तक तो उसका तोड़ कोई नहीं है, लेकिन वो कमिट रहता है क्योंकि टी ट्वेंटी इतनी खेलता है, वो चार ओवर में इतना कमिट रहता है कि इस चार ओवर में उसने विकेटें लेनी ही लेनी है। तो आई थिंक उसके पास ये बहुत अच्छा है आर्ट, अंदर लाने वाला बॉल। लेकिन वॉट इफ ही ट्राइड टू लर्न दिस और मिक्स इट विद द लेंथ, इमेजिन देन, फिर तो आप फारग हो गए, तो मेंटली आप फारग हो जाएंगे कि अंदर के लिए जाऊं बाहर के लिए जाऊं, अंदर के लिए जाऊं बाहर के लिए जाऊं। अभी तो रोहित शर्मा आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्यों घुमे हुए हैं पिछले एक दो साल से। शाहीन शाह अफरीदी राइट नाउ, और नसीम शाह, मुझे नसीम शाह से थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा है, बिकॉज नसीम शाह शाहीन शाह से भी ज्यादा सीन करता है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो पीछे मार रहे हैं बॉल, थोड़ा आगे करें। शाहीन थोड़ा पीछे, थोड़ा सा लेंथ बॉल करें, और जो विकेट टेकिंग बॉल है जो अंदर लाने वाला वो उस पर फोकस करें। लेकिन आई एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम नसीम शाह, बिकॉज सीन और एक्शन बहुत अच्छा मजे का है।